हेलो एंड वेलकम बैक ब्लेडर्स। तो थंबनेल देख लिया तो आज इसी बारे में होगी बात। तो यार आज हम बात करने जा रहे हैं बेब्लेड ऑडियंस के बारे में, जो कि यार पूरी तरीके से सो चुकी है, पता नहीं कहाँ खो गई है। पर तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि यार बेब्लेड ऑडियंस को वापस कैसे जगाया जाए, मतलब उन लोगों को वापस कैसे लाया जाए यार। तो आज हम ये भी बात करेंगे। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि यार मैंने ऊपर पोल रखा है, तो ऊपर वोट करके ज़रूर बताना कि मेटल सीरीज़ और बर्स्ट और ओरिजिनल में से आपकी फेवरेट कौन सी सीरीज़ है, ठीक है। तो चलो यार और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यार बेब्लेड ऑडियंस, तुम लोग कहाँ सो रहे हो? तुम लोग जहाँ भी हो जाग जाओ। अगर बेब्लेड का अच्छा फ्यूचर चाहते हो इंडिया में, तो प्लीज़ यार तुम लोगों को जागना ही पड़ेगा। और हाँ यार, बेब्लेड बर्स्ट को सपोर्ट करो, जो कि अभी हंगामा पे चल रहा है, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। हाँ यार, मुझे ये पता है कि यार टाइमिंग थोड़ी अजीब सी है, पर यार अगर आप सच्चे बेब्लेड फ़ैन हो ना, तो यार टाइमिंग चाहे कैसी भी हो आप लोग देखोगे, चाहे 12 बजे क्यों ना हो तब भी आप देखोगे, अगर आप सच्चे बेब्लेड फ़ैन हो तो। तो इसलिए यार आगे से टाइमिंग को फालतू में ब्लेम मत करो कि यार टाइमिंग ऐसी है तो वैसी है। तो यार टाइमिंग को मत देखो, तुम बस ये देखो कि यार हंगामा बेब्लेड दिखा रहा है, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, ठीक है, अगर बेब्लेड यार आगे देखते रहना चाहते हो तो, ठीक है। और हाँ यार, मैंने कम्युनिटी टैब में पोल रखा था कि यार बेब्लेड बर्स्ट कौन कौन देख रहा है। तब मैंने उसमें दो ऑप्शन रखे थे, एक था यस देख रहा हूँ और सेकंड था टाइम नहीं मिलता। तो यार 150 प्लस वोट्स आए थे, जिसमें से 75% थे हाँ देख रहा हूँ और 25% थे टाइम नहीं मिलता। तो 25% जो लोग हैं जिन्हें टाइम नहीं मिलता, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, आप लोग कहाँ इतने बिजी हो? आधा घंटा आप लोग निकाल के बेब्लेड देख सकते हो भाई लोग, एक एक बंदा इम्पोर्टेंट है। और यार अगर आप लोग बेब्लेड बर्स्ट टर्बो देखना चाहते हो ना, तो बेब्लेड बर्स्ट को TRP दो। और यार जो लोग ये सोचकर नहीं देख रहे हैं कि भाई पहले से ही देखा है, अब क्या देखना, जब नया सीज़न आएगा तभी देखेंगे, तो यार उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर नए सीजन चाहिए ना, तो अभी जो चल रहा है उसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। और यार जो बेब्लेड फैन सो गए हैं ना यार, प्लीज़ जाग जाओ, क्योंकि यार अभी नहीं तो कभी नहीं। अब यार सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यार बेब्लेड ऑडियंस को वापस एक्टिव कैसे किया जाए। यार उसका एक ही तरीका है, वो है उन्हें बेब्लेड के पुराने एपिसोड्स दिखाओ। अब यार उससे होगा क्या, जब वो यार पुराने एपिसोड्स देखेंगे तो यार उन्हें पुराने दिनों की याद आएगी, तब वो और एपिसोड्स देखेंगे, तब ऐसे करते करते उनका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा बेब्लेड पे, तब वो वापस एक्टिव हो जाएंगे, तब वो बेब्लेड एनीमे और ज़्यादा देखने लगेंगे, सारे सीजन्स देखेंगे। क्योंकि यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं भी यार सो गया था बेब्लेड फैन, मतलब मैं इनएक्टिव हो गया था। तब यार बेब्लेड जी रिवॉल्यूशन मुझे एक दिन यूट्यूब में दिख गया एक एपिसोड, और मैंने उसमें क्लिक कर लिया। तब जब यार मैंने उसे देखा, तो यार मुझे एकदम पुराने दिनों की याद आ गई। तो यार अंदर से फीलिंग आई कि पूरे एपिसोड्स देखने हैं, और यार मुझे बेब्लेड का शौक दोबारा चढ़ गया। तो एक बेब्लेड फैन को वापस लाया, वो चैनल था एनिमे टीवी इंडिया। तो यार मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे और शायद कई लोगों को फिर से बेब्लेड लवर बना दिया होगा, तो उसके लिए थैंक्स। और हाँ यार, ये बात मैंने उनसे भी शेयर करी थी। और यार जितने भी चैनल्स हैं ना जो बेब्लेड को इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें प्लीज़ यार सपोर्ट करो, बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होने का। और यार बहुत सारे लोग अल्टीमेट हगाई को बोलते हैं कि बेब्लेड को इंडिया में वापस लाओ, तो यार वो और बाकी यूट्यूबर करते भी हैं ऐसा, और बेब्लेड आया भी है, बट यार अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बाबा जी का ठुल्लू कुछ नहीं होनेगा, क्योंकि यार बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए यार बेब्लेड को सपोर्ट करो, और यार बेब्लेड बर्स्ट को तो यार बहुत सपोर्ट करो, जो कि यार अभी हंगामा में चल रहा है, अगर यार आपको बेब्लेड देखना है आगे जाके। और हाँ यार, सोए हुए बेब्लेड फैंस को यार पुराने एपिसोड दिखाओ, ताकि वो यार फिर से एक्टिव हो जाए। यार हम लोगों को बेब्लेड को फिर से वैसे ही पॉपुलर करना है जैसे कि वो पहले था, करोगे ना? प्रॉमिस ये बात। तो ओके, चलो बाय।